दोस्तों अभी हम रुके हैं भीमताल से नीचे की है ना, यहाँ पर गाड़ी वाले ने गाड़ी धो रहे हैं, यहाँ गाड़ी रोकी हुई है। तो यार आधे पौन घंटे में पहुँच जाएंगे हल्द्वानी, तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहे। हमारी गाड़ी यहाँ पर धुलाई हो रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला प्रणाम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आपका अपना पहाड़ी भाई, देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज का जो मौसम है ना, टेम्परेचर बहुत डाउन है और बहुत कोहरा लग रखा है यार। तो दोस्तों आज क्या है ना, हर जगह कोहरा कोहरा लग रहा, भयंकर वाला, कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा कोहरा लग रखा आज। आज आ रहे हैं मम्मी और मैं जयपुर। अभी गाड़ी का वेट कर, तैयार नहीं हुए, बस तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके यार, हम मम्मी और मैं रेडी हो चुके हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं और सामान हमने रख दिया है बाहर। थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी ना, फिर रोड पे लेके जाएंगे, तब तक के लिए बने रहे ब्लॉक पे। अभी सुबह के बजे हैं 8 और पूरा कोहरा लग गया है। यहाँ जो बनकोट है ना सामने, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा कोहरा लग गया यार, भयंकर वाला लग गया। तो दोस्तों मम्मी और मैं निकल पड़े हैं घर से, ये रही मम्मी पीछे और हम अभी पहुंचे लारा पर। तो यार मैंने हल्द्वानी के लिए बोल रखा है, मैंने सुरजा पुंगचुड़ी का, उसके साथ जाऊंगा। क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। दोस्तों यार अभी हम पहुंचे हैं ताशनी और बाहर जो है ना कोहरा बहुत ज्यादा लगा हुआ है, पूरा कोहरा, कुछ भी नहीं दिख रहा आज। मौसम बड़ा खतरनाक मौसम हो रहा है, अल्टीमेट भयंकर कोहरा लग रखा है। अबे ये रोड नहीं दिख रहा है, सामने रोड नहीं दिख रहा है, इतने भयंकर कोहरा लग रखा है आज। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं खैरना खाना खाने के लिए। अभी हमारे चल रहा है लंच, करीबन 2:30 बज गया यार है ना, हल्द्वानी पहुंचेंगे हम करीबन 5 या 6 बजे करीबन। और यहाँ जो मौसम है ना, बढ़िया मौसम हो रहा है और आपको यहाँ का जो नज़ारा है ना वो दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, पास में नदी है, नदी बह रही है और सामने पहाड़ आ गया है ना, ये आगे खैरना का नदी आ गया, पूरा नदी है, पहाड़ आ गया। अभी हम यहाँ खाना खा रहे हैं। तो अभी हम रुके हैं भीमताल से नीचे की है ना, यहाँ पर गाड़ी वाले ने गाड़ी धो रहे हैं, यहाँ गाड़ी रोकी हुई है। तो यार आधे पौन घंटे में पहुँच जाएंगे हम हल्द्वानी। हमारी गाड़ी यहाँ पर धुलाई हो रही है।